Hey everyone, this दिस इज Welcome वेलकम बैक टू channel. चैनल आई होप यू are आर गर्ड today's क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ टाइम when your कंप्यूटर ब्रोक डाउन एक ऐसे टाइम की बात करनी है जब आपका कंप्यूटर है उसने काम करना बंद कर दी तो यहाँ पे बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में चाहे कि वो कंप्यूटर की विंडो है जो उड़ गई है या फिर बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है जिससे क्या है कंप्यूटर लैग होने लग गया हैंग होने लग गया या फिर कोई और डिफेक्ट जैसे कि कंप्यूटर या फिर आपका जो लैपटॉप है वहाँ उस पर जो क्रैक आ गया या फिर कुछ नीचे गिर गया तो सबसे पहले

रियलाइज होती है कि मेरा तो लैपटॉप यहाँ पे है ही नहीं और आप जब नीचे देखते हो तो ये फ्लोर पे पड़ा होता है और सबसे डिसअपॉइंट होने वाली बात ये है कि उसकी जो स्क्रीन है उस उसमें काफ़ी बड़ा क्रैक आया होता है आपने ट्राई किया उसको टर्न ऑन करने का बट इट वॉज इन वेन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जो स्क्रीन है वो टोटली totally ब्लैंक थी तब आपने एक अपने फ्रेंड से बात करी जो कि ऑफकोर्स एक टेक्नोसिविक गाय है एंड उसने बताया कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर आपको रिप्लेस कर देंगे स्क्रीन ओरिजिनल के साथ भी कर देंगे डुप्लीकेट करवानी है उसके साथ भी कर देंगे तो आपने फैमिली को तो बताया नहीं आप अपने फ्रेंड की हेल्प से वहां पे गए एंड स्क्रीन जो है वो रिप्लेस करवा ली लेटर ऑन क्या है आपने अपनी फैमिली को बताया उस चीज के बारे में एंड बाकी की जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं वो आपको सैंपल में पता लगेंगे और काफी सारे क्यू कार्ड्स मैंने अपलोड करे हैं आप देख सकते हैं उनके सैंपल सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टू द वीडियो जैसे कि आप क्यू कार्ड देख सकते हो डिस्क्राइब अ टाइम वेन योर कंप्यूटर ब्रोक डाउन तो इसका फर्स्ट क्यू है वेन इट वॉज ये कब की बात है एंड वट यू वर डूइंग आप क्या कर रहे थे वहाँ पे वट यू डिड अबाउट इट उसके बाद आपने क्या चीज़ करी एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट आपकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी इसके प्रति तो एक बार सैंपल स्टार्ट करते हैं विद द एडवेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड एस्कलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वी एक्सेस एवरी डे देयर कम्स एम्पल सिचुएशन वेन सम अप्लाइंसिस ब्रेक डाउन एंड वी नीड टू गेट दिस फिक्सड Today, I would like to talk about my laptop uh, that I bought recently, which got some issues and I got it figured out from a nearby market in my city. As a matter of fact, I was making a project last night. Instead of working on my study table, I was using the laptop while lying on the bed. I didn't even realize when I fell asleep. Uh, when I woke up the very next morning, I was shocked. एस्टॉनिश्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एज आई सो माई लैपटॉप ऑन द फ्लोर एंड माई ओपिनियन आई इट फेल डाउन वैन आई वॉज स्लीपिंग आई फिक्स दैट अप एंड गॉट डिसअपॉइंटेड टू सी अूज क्रैक ऑन द स्क्रीन आई वॉज ट्राइंग टू टर्न इट ऑन बट द स्क्रीन वॉज कंप्लीटली ब्लैक आई लिटरली फेल्ट रियली बैड एट दैट टाइम एंड वॉज खेयर्ड टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट इट इट खेम टू माई माइंड दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हो आप वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा ठीक है हेड ऑल्सो फेस्ड Uh, the same problem so i called him and explained the whole scenario to him luckily he told me that uh, i can get it fixed from a nearby market in my city for just rupees 2500 and i'll get my screen replaced with a used one purani screen ke replace ho jaega. later on i decided to tell my family about it initially they felt sad like me but then they suggested me to be more careful about how i should handle the electronic gadgets in future eventually finally i went to the nearby market and got it uh, repaired the technician changed the display and luckily uh, the used display looked like a new one and i was able to use my laptop again nowadays uh, i'm very careful about how i use the electronic equipments i guess i learned the lesson the hard way so this was the Q card. I hope you guys like it. If you like it, please make sure to share and subscribe to this channel and keep supporting.